200 क्लासिकल क्रिकेट में कहते थे कि बैट्समैन को भाई जहां तक हो सके सामने मैदान पर बन रहे वी शेप में ही रन बनाना चाहिए, लेकिन मॉडर्न जमाने में तो उस वी की वैल्यू ही खत्म हो गई है। अब तो भाई जिसको ग्राउंड के जिस छोर पर जगह मिल रही है वो वहां बल्ला घुमा रहा है। एक 360 बैट्समैन वो होता है जो मैदान में हर जगह शॉट मारने की ताकत रखता है और जिसके पास इनोवेटिव शॉट्स की कोई कमी नहीं होती। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले 360 प्लेयर्स के बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करेंगे नंबर 6 के संग ऋषभ पंत। 200 दिल्ली के इस पॉकेट डायनेमो को वर्ल्ड क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा है। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में गजब का परफॉर्मेंस करके दिखाया है और अपनी परमानेंट जगह बना ली है। जेम्स एंडरसन के खिलाफ इंग्लैंड में ऋषभ पंत का विकेट के पीछे लगाया वो शॉट आपको याद ही होगा। साल 2018 के आईपीएल में इन्होंने डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार के अंतिम ओवर में जम के पिटाई की थी। पंत की सबसे अच्छी बात है उनकी पावर। वो किसी भी पोजीशन से इतनी ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं जिनके सामने बड़े बड़े हिटर्स नहीं टिकते। नंबर 5 KL राहुल। 200 कमाल लाजवाब राहुल, इस प्लेयर को ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। पिछले कुछ सालों में ये बल्लेबाज बॉलर्स के लिए काल बन के उभरा है और जब बात लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की आती है तो राहुल के बल्ले ने गजब का प्रदर्शन किया है। KL राहुल की फुट मूवमेंट और रिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है और यही एबिलिटी उन्हें मैदान के हर कोने में शॉट लगाने के काबिल बनाती है। 360 प्लेयर के साथ जब KL राहुल का क्लासिकल टच और एलिगेंस मिलता है तो कमाल होता है और सामने वाले बॉलर्स का भैया बुरा हाल होता है। नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल। 200 ग्लेन मैक्सवेल को आज क्रिकेट की दुनिया में सबसे डेंजरस हिटर्स में गिना जाता है और जब बात क्रिकेट के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी कि T20 क्रिकेट की आती है तो हम सभी जानते हैं वो क्या कर सकते हैं। चाहे कीपर के ऊपर से शॉट मारना हो या फिर पॉइंट के ऊपर से रिवर्स स्वीप लगाते हुए सिक्स मारना हो, ग्लेन मैक्सवेल हर प्रकार का शॉट लगा सकते हैं और स्पिनर के सामने तो भाई उनकी रिवर्स स्वीप हमेशा तैयार रहती है। यही कारण है कि जब ये बल्लेबाज फॉर्म में होता है ना तो अच्छे से अच्छे बॉलर का इसके सामने टिक पाना कठिन हो जाता है। नंबर 3 जॉस बटलर। 200 इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर जब बैटिंग करते हैं तो हर किसी की आंखें उन पर टिकी होती हैं। 2011 में अपना डेब्यू करने वाले बटलर जब खेलते हैं तो भाई ऐसा लगता है मानो उनसे बेहतरीन बैट्समैन कोई है ही नहीं। आईपीएल 2022 में भी उनकी परफॉर्मेंस गजब की रही और वो 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं। जब बटलर खेलते हैं तो वो इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कि ऑपोजिशन टीम के लिए उनके खिलाफ फील्ड सेट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी पोजीशन से पावर जनरेट कर सकते हैं और इसलिए हमने उन्हें मैदान के हर कोने में कंफर्टेबली शॉट लगाते हुए देखा है। नंबर 2 सूर्य कुमार यादव। 200 बात करते हैं इंडिया के अपने मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की। आज से कुछ साल पहले तक स्काई वर्ल्ड क्रिकेट में इतना बड़ा नाम ये नहीं हुआ करते थे और उनके खेलने का तरीका काफी ट्रेडिशनल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया और अपनी बैटिंग और फिटनेस पर बहुत ज्यादा काम किया। सूर्य कुमार यादव के 360 प्ले की पहली झलक हमें आईपीएल में दिखी थी और आरसीबी के खिलाफ उनकी एक पारी के बाद वो रातों रात फैंस के दिलों पर छा गए और उन्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। स्काई ने यहाँ पर भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया और उन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत जोफ्रा आर्चर को स्टंप के पीछे लेग साइड पर एक सिक्स मार के की। हमने इन्हें बड़े से बड़े बॉलर के खिलाफ आराम से स्वीप लगाते हुए सिक्स मारते हुए देखा है। स्काई के पास हर वो शॉट है जो एक 360 प्लेयर के पास होना चाहिए और इसीलिए इन्होंने हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे अपनी जगह बनाई है। नंबर 1 एबी डिविलियर्स। 200 हमारी आज की वीडियो में नंबर 1 पर जगह बनाते हैं एबी डिविलियर्स। जब बात 360 शॉट्स की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इसी लेजेंडरी प्लेयर का नाम आता है। अब भाई ऐसे इन्हें मिस्टर 360 नहीं कहा जाता, कुछ बात तो जरूर है इनमें। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और रिफ्लेक्सेस कमाल के थे और वो मैदान के किसी भी कोने पर शॉट मारने की ताकत रखते थे। डिविलियर्स के बारे में सबसे बेहतरीन बात ये थी कि उनके पास एक बॉल को खेलने के लिए एक नहीं बल्कि कई शॉट्स होते थे और इसीलिए एक बार अगर वो सेट हो गए ना तो दुनिया का कोई भी बॉलर भैया उनके सामने टिकता नहीं था। डेल स्टेन के खिलाफ उन्होंने कैसे कैसे रिवर्स शॉट्स लगाए हैं ये बात आपको अच्छे से मालूम है। वैसे दोस्तों आप इनमें से किस प्लेयर के सबसे बड़े फैन हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।